हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुभूतिज डेली एप्रन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ट्रेडिशनल सी रेसिपी लेके आई हूँ जो टोमेटो से और नारियल के कॉम्बिनेशन से बनती है। जी हाँ, ये टोमेटो करी है, ये महाराष्ट्रियन डिश है। तो ये राइस के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही अमी और बहुत ही ईजी प्रोसेस इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी टोमेटो की करी कैसे बनती है। लेकिन प्लीज़ उसके पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया है कि नहीं। नहीं किया है तो प्लीज़ करें, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए फिर से देखते हैं हमारी टोमेटो की करी कैसे बनती है। टोमेटो करी बनाने के लिए हमने इस साइज़ के 4 टोमेटो अच्छे से धो करके रखे हैं। इसे हम मोटा मोटा काट करके बॉयल करेंगे। प्याज को भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है। ये हमारी हरी मिर्ची है, ये हमारा लगभग 100 ग्राम के लगभग नारियल है जिसे हमने ऐसे काटा है, और ये हमारा गार्लिक है। मसाले में हमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर लिया है। तड़का लगाने के लिए 2-3 हमने साबुत लाल मिर्ची ली है, ब्लैक सरसों और कड़ी पत्ता। टमाटर को ऐसा मोटा मोटा काटा है, 1 कप पानी डाला है और इसे पूरी तरह से पकने तक हम इसे गैस पर चढ़ा के रखेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है। 1 सीटी के बाद हम सिम पे करके 5 मिनट तक इसको छोड़ देंगे। कुकर ने 1 सीटी दे दिया है, इसे अभी हम सिम पे रखते हैं और इसके मसाले की तैयारी करते हैं। हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल गरम किया है, मस्टर्ड ऑयल ही हमें लेना है, और फिर हम इसमें सारे अपने कटे हुए वेजिटेबल्स डालेंगे। ये देखिए, हमने सारे प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन और नारियल को इसमें डाल दिया है और 5 मिनट तक बस इसे हम सौटे करेंगे। प्याज बिल्कुल लाल हो गया है, इसे अब हम निकाल के ठंडा होने देंगे और फिर बाद में इसका पेस्ट बनाएंगे। ठंडा हो गया है, इसलिए मैंने एक मिक्सी के जार में निकाला है और थोड़ा सा पानी डाल के अब मैं इसका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। ये देखिए, हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी है। पैन चढ़ाया है और मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा डाला है। ऑयल मेरा गर्म हो गया है, मैंने इसमें मस्टर्ड सीड्स डाला है। अब इसमें हम अपना ये पेस्ट डाल देंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर। जब ये बिल्कुल गल गया है, बस इसे अब हमको पेस्ट बना लेना है। ये हमारा टोमेटो पेस्ट बिल्कुल रेडी है। इधर हमारा मसाला भी थोड़ा सा ही बाकी है भुनना, ऑलमोस्ट हो गया है। मसाला ऑयल छोड़ने लगा है, मतलब हमारा मसाला पूरा भुन गया है। इसमें अब हम अपने टमाटर पेस्ट को मिला देंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। बस इसे हम 5 मिनट तक बॉयल करेंगे और बस हमारा टोमेटो करी रेडी। ये देखिए, 5 मिनट हो गया है, हमारी करी बिल्कुल रेडी है। बस आप इसे सर्विंग बोल में निकालिए, धनिया पत्ते से गार्निश कीजिए और गर्म गर्म राइस के साथ खाइए। ये देखिए, फाइनली हमारी जो करी है वो अब सर्विंग बोल में आ गई है। मैंने उसे धनिया पत्ते से गार्निश किया है। तो ये कैसी लगी है आपको, है ना थोड़ी टेम्बटिंग? तो बस इसे आप बनाइए, खाइए और खिलाइए, और फीडबैक मुझे ज़रूर से दीजिए कि आपको टोमेटो करी कैसी लगी। फिर से मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते मैं एक बार ज़रूर से कहना चाहूँगी, अपना ख्याल रखिए और स्टे होम स्टे सेफ़।